प्रेजेंटेड बाय केआर फिल्म साहिबगंज। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं दीपक राजारियन और आप सबों के फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के आर फिल्म्स भोजपुरी में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देने वाला हूं, तो प्लीज़ ये वीडियो देखें लास्ट तक, शायद आपका भी कमेंट हो और उसका मैं रिप्लाई दूँ इस वीडियो में। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे चलिए शुरू से शुरू करता हूँ। और ये 19 मिनट पहले किसी ने कमेंट किया है, ये मेरे न्यूंडो 4 पे मैंने फुल वोकल मिक्सिंग एंड हाउ टू अप्लाई VST इफेक्ट्स वाले पे किया हुआ है इन्होंने। तो इन्होंने लिखा है, सॉन्ग का प्रोजेक्ट दे दीजिए भैया, न्यूंडो या क्यूबेस के लिए प्रैक्टिस करना है भैया। तो दरअसल जो सॉन्ग का प्रोजेक्ट है वो फ़िलहाल मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसके ऊपर एक दो और वीडियो बनाऊँ और प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। पोस्टर बनाने का लिंक भेज दीजिए सर। ऑलरेडी मेरे चैनल पर बहुत सारे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो आप देख लेना। तो और भी बनाऊंगा, एक्चुअली इधर टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, क्योंकि इधर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन वो दूसरे कंपनी के हैं और मैं दूसरे किसी के कंपनी के प्रोजेक्ट पे मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता और ना ही मैं उस पर वीडियोज बना सकता हूँ। तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा जो प्रोजेक्ट अगर होता है तो टाइम नहीं मिल पाता एक्चुअली, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए टाइम चाहिए और थोड़ा अभाव है, इस वजह से नहीं आ पा रहा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बहुत जल्द लाने का आप सबों के लिए। नेक्स्ट जो है वो कुछ है, और यहाँ पे एक और है, ये क्या नाम है, मोबाइल से होने वाला ऐप बताइए ना, ये कोई है प्यारे प्रकाश करके कुछ। तो भैया, मोबाइल से पोस्टर किस तरह से बनाते हैं ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने आज तक कभी मोबाइल से कोई भी ऐसा ऐप नहीं इंस्टॉल किया है कि जिससे पोस्टर बनाया जा सके, मुझे नहीं पता है भाई एक्चुअली। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर लोग हैं, मेरे ही कुछ फ्रेंड लोग हैं जो कि फ़ोन से ही कर लेते हैं नॉर्मल डिज़ाइनिंग वगैरह, बट मुझे वो भी नहीं आता है। तो सॉरी, मुझे ऐप का नाम भी पता नहीं है एक्चुअली। मैं PC से करता हूँ और जो मैं यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर वो दिखा दूँ, वो यही सॉफ्टवेयर है, आप देख सकते हैं, ये फ़ोटोशॉप का है, एडोबी फ़ोटोशॉप, जो कि 3 GB के आसपास का है। तो काफ़ी इसका लंबा प्रोसेस है इसे डाउनलोड, इंस्टॉल और इसे एक्सट्रैक्ट करने का, तो ये आपको इसके लिए आपको समय देना होगा। तो इसी सॉफ्टवेयर पर करता हूँ, एक बार और देख लीजिए, यही वो सॉफ्टवेयर है। इस पर मैं एक पेज लेता हूँ, Ctrl+N और यहाँ पर ओके। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का जो है वो है, तो मैं इसी से करता हूँ। और भी मैं फ़ोटोशॉप 7.0 भी कभी कभार यूज कर लेता हूँ, और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है फ़ोटोशॉप से रिलेटेड, तो वो सभी मैं यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि फ़ोन से कैसा करता है, आई एम सॉरी। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो भाई सॉफ्टवेयर का नाम यही है, फ़ोटोशॉप, एडोबी फ़ोटोशॉप, CS6, CS3 या CC, ये सभी पे आप कर सकते हो, सभी का सेम है, बस वर्जन जो है वो अलग अलग है। आते हैं नेक्स्ट पे, तो सॉन्ग भेजिए, सॉन्ग कब आएगा, आएगा भाई सॉन्ग आएगा। और इन्होंने लिंक ही डाल दिया मेरे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे कोई है स्टार अविनाश कुमार, तो इनका कमेंट है कि सर फॉन्ट नेम तो बता दो। भाई एक्चुअली ये है ना कि फ़ॉन्ट आपको गूगल पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, आप सोच रहे हो कि गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये फ़ॉन्ट परचेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे 3D हॉट्स क्या लिखे पता नहीं, जो भी भाई जो भी आप कमेंट के कीजिए थोड़ा डिटेल में कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या कर रहे हैं, और ऐसे तो पता नहीं चलता। और यहाँ पे ट्रैक स्पीड कैसे पता करें, तो भाई ट्रैक का जो स्पीड है, जो भी टेम्पो है, वो आप वर्चुअल DJ पे आप पता कर सकते हो, आप अलग से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल भी फ्री सॉफ्टवेयर है वर्चुअल DJ, उसे आप डाउनलोड कर लो और उसे आप कोई भी सॉन्ग कोई भी ट्रैक को म्यूज़िक को, जैसे कि न्यूंडो पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो उससे पहले आप उसे वर्चुअल DJ पे कर लो और वहाँ से आपको टेम्पो पता चल जाएगा कितना है, उसके बाद में आप सेम टेम्पो आप वहाँ पर न्यूंडो पे एडजस्ट कर सकते हो, तो ये आप देख लो खुद ही। और यहाँ पे है कि हाँ एक वीडियो बनाइए 3D फॉन्ट कैसे बनाता है, ज़रूर भाई बनाएंगे, मैंने ऑलरेडी एक वीडियोज़ बनाया था, बट काफ़ी सारे लोगों ने उस पर हिट किया, काफ़ी सारे डिज़ाइनर लोगों ने हिट किया, इस वजह से मैंने वो वीडियो हटा दिया। और मैंने कोशिश करूँगा मैं थोड़ा बताने का। एंड फाइनली जो है कि यही रीज़न है कि काफ़ी सारे डिज़ाइनर लोग मुझसे नाराज़ हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर हैं
जो कि इस वजह से मैं जो भी डिज़ाइनिंग का ट्यूटोरियल बनाता हूँ, काफ़ी लोगों ने फ़ोन भी किया मुझे कि भाई ये आप सही नहीं कर रहे हो ये वो, तो इस वजह से मैं कुछ खास नहीं बता पाता हूँ ताकि उन लोगों को भी बुरा लगेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप सीखना चाहते हैं डिज़ाइनिंग तो आप आइए, बिल्कुल हमारे स्टूडियो में आइए, केआर फिल्म्स में आइए और ज़रूर सिखाएंगे आपको डिज़ाइनिंग। और जो एड्रेस है हमारे स्टूडियो का, हमारे कंपनी का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैप के ज़रिए, गूगल मैप के ज़रिए, जो कि मैं दरअसल मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार, और आप आ सकते हैं। और यहाँ पे है, यहाँ पे वीडियो भी बनाइए, ऑडियो में मज़ा नहीं आ रहा है तो ज़रूर भाई। दरअसल इस बार बोलबम का शूट हुआ था, तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो शूट किया था मैंने, जो वीडियो मैंने शूट किया था बोलबम प्रोजेक्ट का, 3-4 एल्बम का, तो वो कोरोना की वजह से और लाइटिंग की वजह से वो थोड़ा सा बेकार हो गया वीडियो, कोरोना सही से नहीं कट पाया, कहीं कहीं कुछ झिझनाहट टाइप का रह गया, तो इस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। क्योंकि मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट हो मेरे कंपनी से वो एकदम साफ़ सुथरा और कुछ आप लोगों को कुछ खासियत उसमें दिखनी चाहिए, कुछ क्वालिटी दिखनी चाहिए, और कुछ कंपनी के टक्कर में हो, अच्छे अच्छे कंपनी के टक्कर का हो वीडियो, तभी आप लोगों को मज़ा भी आएगा। अगर मैं अगर घटिया क्वालिटी की वीडियो अगर रिलीज करूँ तो एक बार शायद आप देखोगे, उसके बाद से अगर दूसरा भी एल्बम अगर अच्छा भी रिलीज करूँ तो आप लोग नहीं देखोगे। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट करूँ वो एकदम साफ़ सुथरा करूँ और थोड़ी अच्छी क्वालिटी में लाऊँ, तो इस वजह से मैंने उसे कैंसिल कर दिया। और इस बार देखते हैं, इस बार मैं कुछ शॉर्ट मूवी कर रहा हूँ और वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो वीडियो का प्रोजेक्ट है भाई मेरे, क्या नाम है, जय खन्ना, तो जय खन्ना जी जो भी मेरा प्रोजेक्ट है वो दरअसल अब नवरात्र में ही मिलेंगे, एकदम कंफर्म है, 100% गारंटी है कि नवरात्र से जो भी प्रोजेक्ट आएंगे वो वीडियो के साथ आएंगे। सॉरी इस बार नहीं आ सका, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने बहुत कोशिश किया बट सारा जो किए किराए पे पानी फिर गया है और समय बहुत कम है, इस वजह से मेहनत ज़्यादा होता है भाई, क्योंकि कैमरा मैन से लेकर हर एक चीज़ का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो काफ़ी सारी दिक्कत होती है। तो आप समझ सकते हो कि वीडियो बनाना कोई आसान बात नहीं है, और ऐसे रोड छाप अगर वीडियो बनाना रहता तो कब का मैं बना दिया होता, लेकिन मुझे चाहिए कुछ क्वालिटी जिस वजह से ये लेट हो रहा है। तो थैंक यू फॉर दिस कमेंट ब्रो। एंड हमारे शिवम भाई का बहुत सारा कमेंट है, मस्त फैंटेस्टिक नाइस, तो थैंक यू शिवम भाई सो मच, लव यू, इसी तरह आप प्यार और आशीर्वाद देते रहें। और यहाँ पे कौन ओनली लव स्टोरी सर वीडियो बनाइएगा, ठीक है भाई बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। और यहाँ पे ये जो है साया में ये वाला फॉन्ट, तो फॉन्ट ये दरअसल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक मैंने दिया हुआ है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। और यहाँ पे ये पंकज भाई साहब कुछ दिए हुए हैं, तो छोड़िए इसको। और यहाँ पे पंकज भाई कुछ लिखे हुए हैं, सुपर बकवास कृष्णा भाई, कोई बात नहीं भाई। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, जैसे कि अगर कोई भी सिंगर अगर एक कोई भी सॉन्ग कर रहा है, अगर सॉन्ग अगर ख़राब भी हो तो प्लीज़ आप उसे हिट ना किया कीजिए, क्योंकि हिट करने से किसी का मनोबल जो है वो गिर जाता है, वो मतलब डीमोटिवेट हो जाता है। तो अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ डीमोटिवेट नहीं कीजिए। एंड फाइनली विंडोज़ 10 में कैसे इंस्टॉल करें न्यूंडो 4, तो यहाँ पे न्यूंडो का लिंक भेज दीजिए। तो दरअसल इसके ये जो वीडियो है न्यूंडो 4 वाला, इसमें मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें एक सॉफ्टवेयर आता है अलग से, NXT ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो आपको जैसे ये मेरा जो सिस्टम है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ 8 है, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी न्यूंडो 4 इंस्टॉल कर रखा हुआ है। तो दरअसल न्यूंडो जो 4 है वो स्पेशली विंडोज़ 7 में ही होता है इंस्टॉल, लेकिन उसका एक अलग प्रोसेस है जिसके थ्रू आप न्यूंडो 4 को इंस्टॉल कर सकते हैं। और मेरा ये इंटरफेस आपको पता चल ही रहा होगा कि ये विंडोज़ 8 है ऑपरेटिंग सिस्टम, 8.1 है, यहाँ पे आपको सबसे नीचे की तरफ दिख रहा होगा विंडोज़ 8.1 प्रो, तो मैंने इसमें भी इंस्टॉल कर रखा हुआ, तो 10 में भी हो जाएगा, तो आप देख लेना उसे क्या इसका जो है प्रोसेस वो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पूरा देखा कीजिए भाई, वो थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए तभी आप समझ पाओगे। एंड यहाँ पे हमारे भाई लोगों का कमेंट है, नाइस मस्त नाइस सॉन्ग आर्यन जी, एंड यहाँ पे सुपर मस्त बा भाई, तो थैंक यू आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन वीडियो फिल्म्स, आर्यन एंड ज्योति फिल्म्स, चांद म्यूजिक, आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने कमेंट किया और इतना हम लोगों को मोटिवेट किया, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सबको। आप भी इसी तरह आगे बढ़े, आपको भी हमारी तरफ से बहुत सारे गुड विशेज हैं। एंड यहाँ पे हमारे जेपी भाई का है सुपर, शिवम भाई का सुपर,
थैंक यू भाई, और यहाँ पे पंकज भाई का सुपर हिट सॉन्ग भाई, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे वेल डन हैं, और भी देखते हैं दो चार कमेंट और देखते हैं। कमेंट तो काफ़ी सारे आते हैं सभी फ्रेंड्स का, अब मैं हर एक सप्ताह में आप सबों को रिप्लाई दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैं लगभग जब से मैंने चैनल शुरू किया है ये मैंने पहला बार ये कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ, तो इस वजह से काफ़ी सारे हैं, तो आई एम सॉरी। यहाँ पे किसी ने कमेंट किया सुपर हिट सॉन्ग है दीपक भाई, मैं का नाम अमित कुमार है, थैंक्स अमित भाई, थैंक यू सो मच। एंड आते हैं यहाँ पे ये किसी ने कमेंट किया हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर परचेसेस वेब प्लगइन्स इन 1015 या 1500 आरएस नंबर, तो भाई यार ये सब मत डाला करो यार मेरे चैनल पे। तो इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने काफ़ी सारे विशेष दिया है। यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑल द बेस्ट गुड गॉड द रिक्वेस्ट लाइन आई एम पी एस रूप नारायण कुमार गुप्ता, थैंक यू रूप नारायण गुप्ता जी, थैंक यू। और यहाँ पे ये है अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो ये वीडियो, किसी ने ये मेरे वीडियोज़ पर लिंक वगैरह पोस्ट किया हुआ है तो प्लीज़ ऐसा मत करें आप, मेरे चैनल पर है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर करते हो तो, लेकिन दूसरे चैनल पर अगर कमेंट करोगे तो ये स्ट्राइक आ सकता है, क्योंकि ये इलीगल है कि आप अपना चैनल का लिंक किसी दूसरे के वीडियो के कमेंट में डालो, ये गलत बात है, इस पर आपको स्ट्राइक भी दे सकता है। मैं तो नहीं दूंगा बिकॉज मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने कितना मेहनत करके चैनल बनाया हुआ है, तो प्लीज़ ये सब आप मत कीजिए। और यहाँ पे है भैया बिछा के भोजपुरी का ट्रैक दे दो भाई, व्हाट्सएप कीजिए और या फिर कॉल कीजिए, कोशिश करेंगे देने का। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं नीचे, क्या हुआ, हाँ आ रहा है बहुत सारे लिंक्स में कमेंट किए हुए हैं, वर्क स्पेस पे जो मैटर है वो कैसे ऑन करें। अच्छा वेरी नाइस रिकॉर्डिंग, नाइस सॉन्ग, थैंक यू। तभी क्या बात है भाई, थैंक यू। नाइस गजब, थैंक यू भाई सभी को, थैंक यू, नाइस सॉन्ग, सुपर सुपर सुपर, थैंक यू सो मच रोहित भाई, थैंक यू आर्यन वीडियो फिल्म्स, थैंक यू। ये तो धीरेन्द्र, यहाँ पे इन्होंने एक सेकेंड यहाँ पे इन्होंने कमेंट किया हुआ, ये तो धीरेन्द्र का आवाज़ है चंदेश्वर भाई आपका नहीं है, तो ये अमलेश लाल यादव एंटरटेनमेंट, तो अमलेश लाल यादव जी दरअसल ये धीरेन्द्र भाई का ही सॉन्ग है, एक्चुअली चंदेश्वर भाई थे स्टूडियो में तो उन्होंने इस पे मिमिक्री लिपसिंग दिया हुआ है इन्होंने, काफ़ी हम लोग इंजॉय करते हैं स्टूडियो में रहते हैं तो, और जब रिकॉर्डिंग से फ्री होते हैं हम लोग तो चंदेश्वर भाई बहुत ही अच्छे डांसर हैं, कोरियोग्राफर भी हैं हमारी कंपनी के केआर फिल्म्स के, तो उन्होंने ये लिपसिंग दिया हुआ है, आवाज़ धीरेन्द्र भाई का ही है, थैंक यू। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, सभी नाइस नाइस, सुपर 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 सुपर। यहाँ पे है, यहाँ पे किसका कमेंट है, जीबी म्यूजिक इंटरटेनमेंट का कमेंट है, भाई आप जो पोस्टर एडिट करते हैं तो आप फोटो में एडिटिंग करते हैं तो शॉर्टकट की बताया करिए, उस तरह समझ में नहीं आता है, प्लीज़ बताइए प्लीज़, थैंक यू फॉर कमेंट जीबी म्यूजिक इंटरटेनमेंट। और शॉर्टकट की जो है वो कुछ खास नहीं है, आपको पता ही वही शॉर्टकट में कंट्रोल के साथ कुछ होता है प्रेस, और मैं शॉर्टकट कुछ खास यूज करता नहीं हूँ, बट ठीक है मैं बता दिया करूँगा, मैंने रिप्लाई भी दिया है, ओके भाई बता देंगे। मेरा नेटवर्क शायद कुछ वीक है, वीक नहीं है बट पता नहीं क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आया सर एक और वीडियो बनाया जाए जिसमें पूरी हूँ, थैंक यू भाई। दरअसल एक वीडियो में पूरी बातें बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और लंबा वीडियो से बहुत सारे लोग हैं जो बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं
तो टाइम बनाता हूँ और जल्दी जल्दी बोलता हूँ, स्पीड में बोलता हूँ ताकि आप सो जल्दी समझ में आ जाए। भाई ट्रैक चाहिए तो भाई कॉल कीजिए, आपको ये को नंबर मत दे कीजिए मेरे पास, आप मेरा नंबर है, मेरा नंबर आपको हर एक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं उस नंबर पे, आप उस मेरा फेसबुक पे फेसबुक आईडी वगैरह, फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए एंड कोई भी दिक्कत हो तो कॉल कीजिए, आप अपना नंबर नहीं दीजिए, मैं कॉल नहीं कर पाऊँगा आप लोगों को। मेरे पास V9 है लेकिन उसमें DVX160 नहीं है, अगर आप मुझे वेब्स का प्लगइन दे देते तो सर देखते हैं, कोशिश करते हैं, मैं अपलोड ही कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर राजनीला ऑफिस है, थैंक यू सो मच भाई लोग, आप सबको धन्यवाद। और नाइस भैया ऋतिक रोशन लाइक, थैंक यू भाई। साइज क्या है इस पोस्टर का, बोलबम का, सावन का डिजाइनिंग, तो साइज क्या है इस पोस्टर का, तो बेसिकली जो भी यूट्यूब के पोस्टर के डिजाइनिंग होते हैं उनका जो साइज होता है 1280x720 का होता है। तो ये मैं हर एक वीडियोस में बताता हूँ भाई, आप वीडियोस को देखा करो, आप सही से पता चल जाएगा आपको खुद ब खुद। यहाँ पे है सैया हो परदेश में कैसे रोज बर्दाश्त करेला है, सॉन्ग रिकॉर्डिंग करके दिखाओ और इफेक्ट लगा कर दिखाओ, कौन है ये, आयुष रावत, इनका जो कमेंट है वो है कि सैया हो परदेश में कैसे रोजे रोजे बर्दाश्त करे लो, पिया हो परदेश में कैसे रोज रोजे बर्दाश्त करे, ये सब दरअसल धांजा धड़कन का है। और दरअसल भाई आयुष रावत आप बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग करके दिखाओ और इफेक्ट लगा कर दिखाओ, भाई दिखाओ और दिखाइए में काफ़ी अंतर, थोड़ा सही से बोला कीजिए आप, सॉन्ग जो है वो रिकॉर्ड कर दिखाओ और इफेक्ट, तो दरअसल जो इफेक्ट अप्लाई होता है वो सिंगर के वोकल पे डिपेंड करता है कि सिंगर किस रेंज का सिंगर है, कोई नया सिंगर है कि फिर 5 साल से गा रहा है, 10 साल से सिंगिंग कर रहा है, तो वो सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है। और इफेक्ट में ऑटो ट्यून बेसिकली सभी सिंगर में यूज़ होता है, और ऑटो ट्यून जो है वो सिंगर के वोकल के हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते हैं कि किस स्केल पे गा रहा है सिंगर, तो वो सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है, तो उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मैं किसी भी सिंगर के ऊपर अगर बता दूं, मैं अगर कोई भी जो भी एक्सपीरियंस सिंगर है जो कि 5 साल से एक्सपीरियंस है सिंगिंग करने का, अगर मैं उसके ऊपर कोई वोकल इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूं और आपके पास कोई नया सिंगर पहुंच जाए तो आपको फिर वहां पे कुछ ना कुछ अलग करना होगा, अलग इफेक्ट अप्लाई करना होगा। तो ये मतलब कि आप बोल रहे इफेक्ट जो लगा कर आप कॉपी कर लोगे तो वो वहाँ पर सक्सेस नहीं होगा। तो बट आपका जो, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरा वीडियोस देखें, सभी वीडियोस को देखें और खुद का एक एक्सपीरियंस क्रिएट करें, सिंगरों के वोकल को समझें और स्केल को समझें और तभी आप सही से कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान देने की बात है, आपको ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे। और यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट कमेंट में, तो आते हैं नीचे की तरफ, सॉरी ये पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे सचिन कुमार चंद्रवंशी जी ने कमेंट किया है, जिया भाई लगे रहो, थैंक यू भाई, लगे हैं आप ही लोगों के सेवा में, तो बस आप लोग शेयर करते रहे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो शायद काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं अभी 2-4 और कमेंट दिखाकर आप सबको एंड करूँगा। और अब से मैं हर एक वीकेंड्स पे आप लोगों के लिए लाऊँगा मैं एक ये रिप्लाई वीडियो, जैसे जितने भी कमेंट आए हैं, एक सप्ताह में लगभग 50-60 आ ही जाते हैं कमेंट्स, तो सभी का मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब से मैं कंटिन्यू वीक के लास्ट में, हर एक सप्ताह के लास्ट में, यहाँ पे कमेंट है, भाई प्लीज़ मेरे एक स्टूडियो वॉइस बना दो डीजे मुकेश बाबू का, आप हमें कॉल कर लो ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा, कोई अगर सिंगर आती है डुएट करने तो मैं बना दूँगा आपका। यहाँ पर बहुत मस्त वीडियो है भाई, मुकेश म्यूजिक वर्ल्ड, थैंक यू भाई, लव यू, सुपर वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर ये वीडियो यूट्यूब पे कैसे अपलोड किया है कि डाउनलोड करने पर 3D भी हो जा रहा है, 3 MP3 भी हो जा रहा है, तो दरअसल अगर कोई भी वीडियो अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करते हो अगर वो कॉपीराइट होगा तो वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा कोई भी,
और अगर अनकॉपीराइट है तो वो ईजिली आप ऑफलाइन में डाउनलोड हो, यूट्यूब के ऑफलाइन में डाउनलोड हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। सभी को थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे टेक्स टिप्स विद विक्रम जी का कमेंट है, नाइस वीडियो छा गए सर आप तो, नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच भाई। ये दरअसल विक्रम भाई मेरे दोस्त हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा आगे बढ़े। इनका भी चैनल है टेक टिप्स विद विक्रम, इनके भी चैनल को पर विजिट कीजिए आप लोग और इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे प्लीज़ भैया मेरे ईमेल पे इतना पे क्या है भेज दीजिए, भेज देंगे भाई, फ़ॉन्ट भेज देंगे, हमें भी फ़ॉन्ट चाहिए भाई, जिसे भी फ़ॉन्ट चाहिए वो कॉल कर ले भाई, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ तक लास्ट है, आप VST कहाँ से डाउनलोड किए? सर मैंने VST डाउनलोड नहीं किया हूँ, सुपर क्रिएशन जो है इन्होंने कमेंट किया। भाई आप VST प्लगइन्स कहाँ से डाउनलोड किए? भाई मैंने डाउनलोड नहीं किया, दस मैंने ख़रीदा हुआ है, 10-12 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया है मैंने, तो कोशिश करता हूँ मैं डाउनलोड करके आप लोगों को प्रोवाइड करने का। एंड चलिए आज के लिए इतना ही, और अब से मैं हर एक सप्ताह के लास्ट में आप लोगों के लिए कमेंट का रिप्लाई वीडियो लाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन, बाय, लव यू ऑल माई डियर फ्रेंड्स।